हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स वो में। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ आपको क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में कोई वैकेंसी से रिलेटेड बात नहीं करने वाला हूं कि किस दिन कौन सी वैकेंसी आने वाली है या कब तक चांसेस हैं कुछ आने का। कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं दिखाने वाला हूं। तो अब मुझे पता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल पर हर रोज़ आपको दिख जाता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड न्यूज़, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है। अब पता नहीं रेलवे कब तक वेट करवाएगा। इतना वेट तो ईद का चांद भी नहीं करवाता है, साल में एक बार दिख ही जाता है। लेकिन पेशेंस रखिए, रेलवे का वैकेंसी भी ज़रूर आएगा। 2016 के बाद सब वेट कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आएगा इसका। तो आप बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके सामने, उसको आप प्रिपरेशन कीजिए, उसको एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए ताकि किसी न किसी तरीके से एंट्री कीजिए रेलवे डिपार्टमेंट में और प्रमोशन लेके उस पोस्ट तक पहुँच जाइए जिसका आप वेट कर रहे हैं। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, और साथ में बेल को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट हो वीडियो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस देखिए, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में चार कैटेगरी ग्रुप होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। वैसे अब ग्रुप डी को हटा दिया गया है तो उसको भी मर्ज कर दिया गया है, ग्रुप सी के अंदर ही बोला जाएगा, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा चेंज होने में टाइम लगेगा। तो अभी हम इसको ग्रुप डी लेके ही बात करते हैं, लेकिन अब समझदार हैं, अब समझ सकते हैं कि ग्रुप सी है अब ग्रुप डी। देखिए, ग्रुप ए जो होता है वो सर्विस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि सिविल सर्विसेज से ही चांसेस होते हैं जाने के। ग्रुप सी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले ही हैं। और ग्रुप सी बी के बारे में बताऊं तो ग्रुप बी में एक ही पॉसिबिलिटी है पहुंचने का कि आप ग्रुप सी एज ए एम्प्लॉय हो और डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करके ग्रुप बी तक पहुंच सकते हैं आप। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा ग्रुप बी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ग्रुप डी जॉब का वैकेंसी अभी आया हुआ है तो उसको आप क्लियर करके डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू ग्रुप सी तक आराम से पहुँच सकते हैं। तो ये सब मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है कैसे पहुँच सकते हैं, तो आप उसको चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस आप जाके देख सकते हैं। चलिए ग्रुप सी से रिलेटेड हम कुछ बात कर ले। तो देखिए, ग्रुप सी जो पोस्ट होता है इंडियन रेलवे में, सुपरवाइजरी पोस्ट होता है बेसिकली। ये सब हम आगे बात करेंगे, कौन कौन सा पोस्ट इसके अंदर आता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और कैसे सब कुछ। और इसका जो ग्रेड पे होता है 1800 टू 4600 के बीच में, आपका इसके बीच में ग्रेड पे होता है, ये बढ़ते जाता है जैसे ही आपका प्रमोशन होता है। तो ये ऑब्वियसली है, बढ़ते जाता है और सैलरी भी हर साल आपका इंक्रीज़ होते रहता है ग्रुप सी के पोस्ट से। अब अगर हम ग्रुप सी से बात करें, दो तरीके में आपका पोस्टिंग होता है डिपार्टमेंट में, एक तो टेक्निकल होता है और एक नॉन टेक्निकल अदर्स में जिसको देते हैं। तो अदर्स जो है उसमें जो पोस्ट आते हैं, तो देखिए कौन कौन से इसमें आता है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, ASM और ASM, स्टेशन मास्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क्स, TTE, TC और CTE। ये सब पोस्ट जो है नॉन टेक्निकल में। अगर NTPC का वैकेंसी आता है तो सिर्फ स्टेशन मास्टर या फिर बुकिंग क्लर्क का ही नहीं आएगा, बहुत सारे के इस बार आने के चांसेस हैं, जैसे कि TTE, TC, जो कि काफ़ी दिन से वेटेड है। लेकिन TCE का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो 12th पास पे ही इसका वैकेंसी निकलना चाहिए, लेकिन हम वेट करते हैं और देखते हैं कि कब वैकेंसी आता है और क्या उसमें अपडेट देता है नया। क्योंकि पिछले लास्ट जो वैकेंसी निकाला गया था TC का, पता नहीं आप में से बहुत को याद भी नहीं होगा कि कब निकाला गया था इसका वैकेंसी, तो उसमें 12th पास ही क्वालिफिकेशन दिया गया था। तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। तो टेक्निकल में अगर ग्रुप सी की बात करें हम, तो इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे कि टेक्नीशियन, ये सब ग्रुप सी के सर्विस में अब आता है। वैसे तो अब ट्रैकमैन, गैंगमैन सब ग्रुप सी में आता है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस के जितने भी हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, ये सब टेक्नीशियन ग्रुप सी के अंदर आते हैं। सीनियर सेक्शनल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियंस, ये सब जो है ग्रुप सी के अंदर आते हैं। तो देखिए, ग्रुप सी आप आराम से पहुँच सकते हैं। ग्रुप डी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 2018 ग्रुप डी में, तो आपका प्रमोशन होकर ग्रुप सी तक आप पहुँच सकते हैं। 3 साल के बाद प्रमोशन होता है इसका, लेकिन ये डिपार्टमेंटल एग्जाम पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी करवाता है, तो उस पर डिपेंड करता है सारा चीज़। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप ग्रुप बी के बारे में डिटेल चीज़ बताऊँगा। ग्रुप सी से ग्रुप बी में आप एक ही चांस है कि आप सिर्फ प्रमोशन के थ्रू ही जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ लेटेस्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे न्यूज़ के लिए। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा और मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।